अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, बंदा इसलिए शादी करता है ताकि सुकून से रहे। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग इस तरह रहते हैं कि फिर एक दूसरे को रहने नहीं देते। हमारे यहाँ शादियों पर भी यही होता है। कहीं पर फूफो नाराज होकर बैठ जाती है और कभी कभार तो ताया जान मुंह लटका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शादियों पर होने वाले कुछ फरी और मजेदारीन सीन्स दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म हो रही थी लेकिन यहाँ पर तो प्रोग्राम ही बढ़ गया। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। यही नहीं, इस दुल्हन ने तो अभी से ही दूल्हे मियां को बीवी के आगे सर झुकाने का तरीका सिखा दिया है, क्योंकि दुल्हन इसके सर तक नहीं पहुंच रही। नो 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 नो, तू समझा? यहाँ पर भी ये बंदा अपने दूल्हे दोस्त को भागने का आखिरी मौका दे रहा है। ये लेजेंड तो अपनी गाड़ी भी साथ लेकर आया है। जब शादी का अगला नंबर आपका हो फिर आप भी कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। अब जरा इस भाई साहब को ही देख लें। दोस्तों, शादियों का जिक्र हो और उसमें पापा की परियों के मेकअप का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। अब जरा इस पापा की परी का मेकअप भी चेक करें। इस भाई साहब को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बीवी मिल गई है। शायद इसकी तवक्को इतनी खूबसूरत बीवी की नहीं थी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गल कर लो मेरे नाल। दोस्तों, हर शादी में एक ऐसा बंदा भी जरूर होता है जो हर ताली में ही मुंह मारता है। अब जरा इसे ही देख लें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लो जी दोस्तों, यहाँ पर दूल्हे की बारात पर बकरियों ने हमला कर दिया है। इस दूल्हे की बारात तो जाने से पहले ही लुट गई। दोस्तों, आपने शादियों पर वैसे तो पुप्पी को ऐन शादी के मौके पर नाराज होते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो दुल्हन ही रुस गई है। क्या नहीं बोला तूने? आप पीछे से चल के हैं, आप लोग इधर। उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, पूरी कहना ब्राइड। अच्छा, ठीक है। इस भाई साहब को भी देख ले। ये भाई साहब गर्मियों में परिंदों को ठंडी ठंडी रूह अफजा पिलाया करता था। अब इसका नतीजा भी देख ले। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, सर आंखों पे बिठाने वाला मिल गया। हेलो। वैसे तो सारे दोस्त ही शरारती होते हैं, लेकिन इस दूल्हे के दोस्तों कुछ ज्यादा ही हरामी टाइप के मिल गए हैं। इनके अजीब गरीब गिफ्ट भी जरा चेक करें। सुबह
इसी तरह यहाँ पर भी बारिश की वजह से शादी का प्रोग्राम तो मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है, लेकिन दूल्हा भाई फिर भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दोस्तों, इस बंदे ने भी अपनी शादी का कई बरसों से इंतजार किया था, इसलिए आज जज्बात में आकर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 2, 3, 4 इसी तरह इस दूल्हे ने भी गलती से दोस्तों से वादा कर लिया कि शादी के बाद भी आपसे मिलता रहूंगा, इसलिए इसके दोस्तों ने इसे बारात वाली रात ही उठा लिया। आखिर में कुछ चाहिए नहीं। मैं जी दूल्हा हूँ, दुल्हन मेरी घर पहुँच चुकी है, ये मेरे दोस्त हैं। हम चाय पीने जा रहे हैं। वादा किया था ना कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर भी वलीमे की रोटी खुल गई है और हमारा पढ़ा लिखा तबका कितने मजहब तरीके से खाना खा रहा है, जरा आप लोग भी देखिएगा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो हालात अभी से बड़े नाजुक लग रहे हैं, पता नहीं आगे चलकर इनका क्या बनेगा। दोस्तों, इस दुल्हन ने तो अपने थोपड़े के साथ साथ अपनी पेट पर भी मेकअप लगा लिया, ये तो खुलम खुला चीटिंग है। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें, यहाँ पर तो दूल्हा बेचारा अभी से ही पिट रहा है। हेलो ओला कैलो हेलो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।